हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ सुमानसी सहगल। फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो मेल पेडिक्योर के ऊपर है, जिसमें मैं आपको बताने जा रही हूँ कि मेल पेडिक्योर कैसे किया जाता है। तो जिस तरह मैंने पिछली बार आपको बताया था कि हम लोग मेल क्लीनअप कैसे करते हैं, उसी को हमने देखते हुए सेकेंड जो वीडियो बना रहे हैं वो मेल पेडिक्योर के ऊपर बना रहे हैं। जैसे कि आपको पता है कि ब्राइडल सीज़न आने वाला है, मैरिजेस वगैरह होंगी इस समय और फेस्टिवल्स होंगे, तो उन सब चीज़ों को हम लोग अगर देखें कि कैसे हम लोगों को अपने हस्बैंड्स को या ग्रूम को किस तरीके से पेडिक्योर करना चाहिए, तो उसके ऊपर ये वीडियो मैंने बनाई है। आज का पेडिक्योर मैं अपने हस्बैंड के ऊपर करने जा रही हूँ। आप लोग भी चाहें तो फेस्टिवल ऑफ मतलब सीज़न चल रहा है, इसमें फेस्टिवल्स हैं तो हस्बैंड्स को भी बहुत सारी थकान हो जाती है। तो इस तरीके से मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा पेडिक्योर बताने वाली हूँ कि कैसे करना है। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो फ्रेंड्स, पेडिक्योर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि पेडिक्योर करते समय हमें एक टब की नीड रहती है। हमारे पास ये पेडिक्योर टब होता है, और आप लोग अगर घर पे अपने हस्बैंड का या अपने भाई का पेडिक्योर कर रहे हैं तो आप लोग एक नॉर्मल टब भी ले सकते हैं, पानी का बकेट भी रख सकते हैं पानी की, जिसमें आप इजीली पेडिक्योर कर सकते हैं। तो हम लोग तो सैलून का काम करते हैं, हमारे पास ये सब चीज़ें अवेलेबल रहती हैं। तो जो चीज़ें इनके आप जगह रख सकते हैं वो आपको साथ ही साथ बताती जाऊँगी। इस टब के अल्टरनेट पे आप एक नॉर्मल टब रख सकते हैं, जिसमें आप लोग अपने मतलब जो क्लाइंट है उनके पैरों को डिप करा सकते हैं। अगर आप घर पे कर रहे हैं तो नॉर्मल टब आपके काम में आ जाएगा, और अगर आप पार्लर में कर रहे हैं तो आपको एक ऐसा टब ज़रूर परचेज़ करना चाहिए, क्योंकि इससे आपके पार्लर का ही जो है अच्छा रिस्पॉन्स आएगा कस्टमर के ऊपर। तो आप एक ये पेडिक्योर टब ले सकते हैं, मैक्सिमम 2000 तक की रेंज का आता है, और इससे महंगे बहुत आते हैं, जैसे कि मेरे पास 6000 तक का भी पेडिक्योर टब रहा है। तो अभी ये जो टब है ये शायद 2-3 हज़ार की रेंज का, ये ज़्यादा महंगा नहीं है। तो ऐसा आप एक टब अपने पार्लर के लिए परचेस कर सकते हैं, और स्टार्टिंग इन टब की है वो 1400-1500 से होती है। तो आप एक नॉर्मल टब भी लेके अपना पार्लर स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने ये टब लिया, और इसमें हमने पानी फिल कर लिया, यहाँ तक एरो लगा होता है, यहाँ तक हम लोग इसमें पानी फिल कर सकते हैं। इसके ऊपर कुछ ऑप्शंस होते हैं, जो कि मैं आपको बता देती हूँ क्या क्या होते हैं। एक तो इसमें बबल मसाजर होता है, एक हीटिंग होता है, उसमें केवल हीट होती है, और एक होता है हीटिंग प्लस बबल, उसमें पानी में बबल भी बनते हैं और पानी में हीटिंग भी आती है। और अगर आप चाहते हैं कि पानी में केवल हीटिंग रहे तो आप हीटिंग वाले ऑप्शन पर ही एरो कर सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि हीट हो चुकी उसको बंद करनी, बस बबल मसाज होती रहे, थोड़ा वाइब्रेट सा होता रहे मशीन, तो ये बबल मसाजर आता है, आप इधर एरो को लेकर जाएंगे। इस तरह की इसके ऊपर 4 फंक्शंस होते हैं। तो अभी हम लोगों को क्या करना है, क्लाइंट की प्रिपरेशन करनी है कि हमने कैसे मतलब पैरों को कैसे पहले क्लीन करना है। तो उससे पहले मैं क्या करूँगी कि इस पानी के अंदर आप किसी वैसे सी साल्ट आता है इसके लिए, अगर सी साल्ट ना हो तो आप इस तरह कोई भी जो एक्टिवेटर होता है किसी भी ब्लीच का अगर आपके पास पड़ा हो तो आप थोड़ा एक्टिवेटर इस पानी में डाल देंगे, और इसमें हम थोड़ा सा शैम्पू डालेंगे, अप्रोक्स 2 स्पून डाल देंगे हम लोग इसमें, तो ये पैरों की जो डेड स्किन होती है उसको रिमूव करने का काम करता है। और अभी मैं इसको हीटिंग पर लगाकर छोड़ दूंगी ताकि पानी जो है वो थोड़ा गुनगुना हो जाए। तो इस तरीके से मैंने इसको हीटिंग पर लगा दिया। तो हीटिंग पे लगाने के बाद इसके अंदर रेड कलर की एक लाइट होगी, वो ऑन हो जाएगी, जिससे कि आपको पता लग जाएगा कि पानी हीट होना शुरू हो गया है। अब मैं इस मसाजर को जो वाइप ये है पेडिक्योर टब, इसको मैं साइड पे कर दूंगी। इससे पहले जो मेरे को क्लाइंट के लेग्स पर जो भी पहले जो प्रेप करने का तरीका है वो मैं शुरू करूँगी। सबसे पहले मैं क्लाइंट के पैरों पर स्क्रेप करके इनकी जो डेड स्किन होगी उसको रिमूव करूँगी। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं कि मैंने इस टब में पानी गुनगुना होने के लिए लगा दिया है, उसके बाद जो मेरे को सामान चाहिए वो मैं आपको दिखा देती हूँ। इस तरह के मेरे को दो तीन बाउल चाहिए होंगे, इसमें मैं प्रोडक्ट डालूँगी, और एक इस तरीके का नेल फाइलर हमको चाहिए होता है, जिससे हम फाइल करके शेप दे देते हैं और जितनी डेड स्किन होती है नेल के ऊपर उसको रिमूव कर देते हैं। एक ये स्क्रेपर आता है जिससे हम लोग जितनी भी डेड स्किन होती है एड़ियों पे, और तो ये जो स्क्रेपर होता है इससे भी हम लोग डेड स्किन को रिमूव करते हैं एड़ियों पर से, और ये जो ब्रश होता है इससे हम नेल्स की ब्रशिंग करते हैं, और थोड़ी जो आसपास के एरिया होता है उस पर भी हम लोग ब्रशिंग करके डेड स्किन को रिमूव करते हैं। ये आपके पास ना हो तो आप लोग इसके बदले टूथब्रश का यूज़ कर सकते हैं, जो भी पुराना पड़ा हुआ हो। इस तरीके से स्टोन आता है, प्यूमिक स्टोन कहते हैं, स्पॉन्ज की नीड रहती है हमको पैर क्लीन करने के लिए।
ये पुशर होते हैं, इससे जितने भी क्यूटिकल्स रिमूवर, इसे स्टिक कहा जाता है, ये वन टाइम यूज़ वाली होती है, यूज़ एंड थ्रो वाली, तो आप ऐसी ले सकते हैं या इस तरीके की आती है ये, इसको आप लोग सैनिटाइज करके दोबारा यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी लंबे समय आपकी स्टिक चलती है, क्यूटिकल पुशर कहते हैं इसको। आपको नेल कटर की नीड रहेगी, नेल कटर चाहिए आपको इस तरीके से, नेल फाइलर अगर आपके पास वो वाला नहीं है तो ये वाला यूज़ में ले सकते हैं। ये नेल बफर होता है, इससे हम लोग शेप दे देते हैं नेल के ऊपर, से क्लीनिंग कर देते हैं, इससे सॉफ्टनेस आ जाती है नेल के ऊपर। तो इस तरीके से हमको कुछ सामान चाहिए होगा, और इसमें मैंने थोड़ा ऑलिव ऑयल डाल के रखा है, ये मैं क्यूटिकल्स को रिमूव करने के लिए नेल्स पर एप्लीकेशन करूँगी। तो इस तरीके से हमारा ये सामान सारा रेडी हो गया। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, अपने क्लाइंट के नेल्स को कट करूँगी, ताकि उनके नेल्स जो हैं मेरे को क्लीन करने हैं, तो इसलिए मैं नेल्स को कट करूँगी। सबसे पहले हम लोग नेल को कट करेंगे, तो फ्रेंड्स इस तरीके से हमने सारे नेल्स को कट कर दिया है। इसके बाद हम लोग जो स्क्रेपर से इनकी एड़ियों को क्लीन करेंगे क्लाइंट की, तो पहले हम ड्राई स्क्रेपर इसलिए करते हैं ताकि जितनी भी डेड स्किन है वो इजीली निकल जाए, गीला होने के बाद ये स्किन निकलती नहीं है, तो इसलिए हल्का सा स्क्रेपर हम लोग स्टार्ट करने से पहले भी ज़रूर पैरों पर करेंगे। तो इस तरीके से हम लोग एड़ियों पर स्क्रेप करेंगे, टच करके देखेंगे, जहाँ पे डेड स्किन नहीं होगी वहाँ पर नहीं करेंगे, और जहाँ आपको लगेगा कि अभी ड्राइनेस है, डेड है स्किन, तो वहाँ से हम लोग दोबारा स्क्रेप कर देंगे। तो इस तरीके से हम लोग हल्के हल्के हाथ से स्क्रेपर को अच्छे से यूज़ करते हुए सारी डेड स्किन को रिमूव करेंगे। नेल कट करने के बाद और स्क्रेपर से अच्छे से एड़ियों को क्लीन करने के बाद, जो इसके बाद का स्टेप है ये है, क्यूटिकल्स के ऊपर हमें ऑयल या क्यूटिकल रिमूवर क्रीम भी आती है, वो हम एप्लीकेशन कर सकते हैं। ये ऑयल मैं जो है ऑलिव ऑयल यूज़ कर रही हूँ, इससे भी अच्छे से क्यूटिकल्स जो हमारे हैं वो पुश हो जाते हैं, ईज़िली रिमूव हो जाते हैं। तो इस तरीके से आप कुछ भी एप्लीकेशन कर सकते हैं फिंगर्स के ऊपर, चाहे तो थोड़ा थोड़ा इनको अपनी एड़ियों पे भी लगा दें, तो इस तरीके से आप इनको अच्छे से लगा सकते हैं। क्यूटिकल रिमूवर आपके पास अगर क्रीम है तो उसका रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा है, अगर नहीं है तो घर पर आप लोग ऑलिव ऑयल या कोई भी ऑयल यूज़ कर लीजिए जो आपको अच्छे से अवेलेबल हो जाए। तो इस तरीके से मैंने अब इनके फिंगर्स पे जो नेल्स हैं उसके ऊपर ऑयल लगा दिया है। अब मैं इनके पैरों को 10 मिनट के लिए पानी में डिप कराऊंगी, और साथ में बबल मसाजर स्टार्ट कर दूंगी, ताकि थोड़ा वाइब्रेट हो, तो उससे क्या बहुत रिलैक्स फील होता है और अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। तो अब हम उसको स्टार्ट करते हैं मशीन को। तो फ्रेंड्स जब भी हम लोग क्लाइंट के पैरों को पानी में डलवाने जा रहे हों, उससे पहले मेक श्योर हो जाएँ कि आपका पानी गुनगुना ही होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी हम इसको लगा देते हैं और पानी में बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, पानी हीट बहुत हो जाती है, और हम सीधा अगर क्लाइंट के पैरों को बीच में डलवा देंगे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, एकदम जलने जैसे पैर हो जाएंगे। तो इसलिए पहले आप ज़रूर इसको चेक करेंगे ऐसे हाथ से कि ये ज़्यादा गर्म तो नहीं हुआ। अगर आपको लगता है पानी ज़्यादा गर्म है तो उसमें एक बार आप नॉर्मल पानी थोड़ा मिक्स कर देंगे। अभी हमारा पानी जो है गुनगुना ही है, इसको अच्छे से मतलब कोई दिक्कत नहीं होने वाली पैरों को, तो इसलिए मैं इसके बाद पैरों को डिप करवाने जा रही हूँ। तो इस तरीके से मैंने पैरों को अब पानी में डिप करवा दिया है क्लाइंट के, और अब मैं क्या करूँगी कि इनका जो बबल मसाजर है उसको स्टार्ट कर रही हूँ, ताकि थोड़ा वाइब्रेशन वाला स्टार्ट हो जाए। देखिए अब इससे क्या हो रहा है कि मशीन जो है वो वाइब्रेट हो रही है नीचे से, और जो बबल था जो शैम्पू डाला था वो बबल का रूप ले रहा है और बबल की तरह बन रहा है। इससे क्या होगा कि हमारे पैरों की क्लीनिंग बहुत अच्छे से हो जाएगी। इसके बीच में छोटे छोटे रोलर लग रहे होते हैं, तो आप अपने क्लाइंट को बोल सकते हैं कि अपने पैरों को इस तरीके से वो थोड़ा थोड़ा हिलाएंगे, तो नीचे से जितनी भी डेड स्किन है वो भी रिमूव होती जाएगी। तो इस तरीके से अपने क्लाइंट को समझा सकते हैं कि आप नीचे अच्छे से पैरों को अपने हिलाते रहिए हल्के हल्के। तो इस तरीके से हम क्लाइंट को 10 मिनट के लिए रिलैक्स करने के लिए छोड़ देंगे। अगर आपके पास काम बहुत ज़्यादा हो सैलून में तो आप उनको 15 से 20 मिनट भी छोड़ सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने पैरों को डिप करा दिया और मैं 10 मिनट सब वेट करूँगी। तो जब हम 10 से 15 मिनट ऐसे ही छोड़ देंगे, इसके बाद क्या होगा कि हमारी जितनी डेड स्किन होगी, जो भी टाइट टाइट स्किन होगी, वो सॉफ्ट हो जाएगी। सॉफ्ट होगी तो हम उसको अच्छे से क्लीन कर सकते हैं, और उसको अच्छे से हम लोग
अपने क्लाइंट के पैरों के ऊपर से रिमूव कर सकते हैं, इसलिए हम 10 से 15 मिनट क्लाइंट के पैरों को इसी तरीके से पानी में छोड़ देंगे। तो फ्रेंड्स, 10 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं, इसके बाद मैं इस हीटर को ऑफ कर दूंगी और इसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो इनके पैरों को हम लोग एक पैर को पहले बाहर निकालेंगे और इस तरीके से हम लोग एक स्टोन लेंगे, क्यूमिक स्टोन कहते हैं इसको, इसको थोड़ा गीला कर लेंगे इसी पानी से ही और फिर हल्के हल्के हम लोग जो जितनी डेड स्किन पैर पर है उसको स्क्रब करेंगे इससे। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें मैं क्या करूँगी, जितने भी नेल्स के ऊपर ये आपको दिख रहा है थोड़ा सा डार्कनेस हो रही है ये सब मैं रिमूव करूँगी। तो इसके लिए मैं इस ब्रश के ऊपर थोड़ा सा ये पेडिक्योर शैम्पू आता है ये डाल लूँगी। देखिए इस तरीके से पेडिक्योर शैम्पू आता है, ये B1 ब्रांड का, ऐसे बहुत सारे ब्रांड्स आते हैं। अगर आपके पास ये ना हो तो आप किसी भी नॉर्मल शैम्पू का यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद इनको इस तरीके से थोड़ा थोड़ा लगा देंगे और हम इस तरीके से थोड़ा सा इसको गीला कर लेंगे ब्रश को और इस तरीके से मसाज करेंगे। एक एक नेल को पकड़ के अच्छे से हम लोग क्लीन करेंगे। तो देखिए आप किस तरीके से डेड स्किन ऊपर से हट रही है। इस तरीके से हम लोग हल्के हल्के हाथ से थोड़े हल्के से पैरों को भी इससे क्लीन करेंगे। जहाँ पे आपको लगे स्किन डार्क है वहाँ पे आप बिल्कुल लाइट लाइट हैंड से करना है ताकि इससे थोड़ी जलन हो सकती है अगर आप ज़्यादा तेज़ी से करेंगे, क्योंकि ब्रश थोड़ा सा हार्ड होता है ये, तो थोड़ा सा आपको ये चीज़ देखना है। अच्छे से सब जगह इसको हम लोग पूरे कवर करके हल्के हल्के हाथ से इसको ब्रशिंग करेंगे। इस तरीके से जो हमारा ये पूरा क्लीन हो चुका हुआ है और थोड़ा सा हम लोग इस तरीके से टॉवल से इसको ड्राई कर देंगे। टॉवल से ड्राई करने के बाद देखेंगे कितना क्लीन हो गया है। इसके बाद मैं क्यूटिकल रिमूवर स्टिक से क्यूटिकल्स को रिमूव करूंगी। इस तरीके से हम लोग इनको पुश करेंगे क्यूटिकल्स को। ये देखिए आपको ये वाइट वाइट जो निकल रहे हैं क्यूटिकल्स होते हैं, डेड स्किन होती है नेल के ऊपर की, तो इसको अच्छे से हम लोग रिमूव करते हैं और थोड़ा थोड़ा क्यूटिकल्स को पुश करते हैं पीछे की साइड। इससे पुश करने से क्या होता है, हमारे नेल की ग्रोथ जो होती है वो स्टार्ट हो जाती है होनी। जिन जिन के भी नेल की ग्रोथ नहीं होती वो इस तरीके से क्यूटिकल्स को थोड़ा थोड़ा पुश कर दें बैक साइड में। इसके बाद हम लोग इस चीज़ को क्लीन कर देंगे। देखिए इस तरीके से अच्छे से क्यूटिकल्स को हम लोग रिमूव करेंगे। ज़्यादा प्रेस करके नहीं करेंगे, अगर आपके क्यूटिकल्स होंगे तो अपने आप रिमूव हो जाएंगे, आपको दिख जाएगा होते हुए, और अगर नहीं होंगे तो नहीं होंगे ये रिमूव, तो आप देखते रहें। ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, आप प्रेशर से ही करें इस काम को, हल्के हल्के हाथ से करेंगे। देखिए इस तरीके से जो क्यूटिकल्स हैं वो रिमूव होते जाएंगे। क्यूटिकल्स को रिमूव करने के बाद जितनी भी गंदगी होती है ये साइड में आपको पता है थोड़ा फंस जाती है, इस गंदगी को हम लोग रिमूव करेंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरीके का बफर आता है, ये हम आइकॉनिक ब्रांड वालों के यहाँ से मंगवाते हैं, तो इसमें कुछ स्टेप्स लिखे हुए हैं, तो इस तरीके से हम लोग इसको फॉलो भी कर सकते हैं और चाहें तो थोड़ा सा बस इसको नेल को ये अच्छे से क्लीन करने के लिए होता है। तो इस तरीके से आप नेल के ऊपर से जितनी डेड स्किन है इस तरीके से उसको हटा सकते हैं। इस स्टेप को चाहें तो आप पहले भी कर सकते हैं और चाहें तो बस जब भी हम इस स्टेप को करें तब हमारा नेल अच्छे से ड्राई होना चाहिए। अगर ड्राई नहीं होगा तो उसके बाद ये ख़राब होना शुरू होता है अगर इस पर पानी डलता है। सेकंड पे लिखा है मीडियम ग्रिट टू रिफाइन द शेप, तो शेप दे सकते हैं इससे अच्छे से और अच्छे से थोड़ा सा क्लीन कर सकते हैं।
तो इस तरीके से हमको एक एक नेल के ऊपर इसको क्लीनिंग करनी है। और इसके बाद मैं जो स्टेप है कंडीशन द नेल, इसको थोड़ा सा हम लोग अच्छे से करेंगे, इससे थोड़ी शाइन आ जाएगी नेल के ऊपर, क्योंकि पहले आपने जब किया था बफर तब उससे थोड़ी ड्राइनेस हो जाती है, इससे थोड़ी शाइन आ जाती है, मतलब जो नेल होता है वो नेचुरल कंडीशन में आ जाता है, ड्राइनेस ख़त्म हो जाती है, इसलिए हम नेल शाइनर का भी यूज़ ज़रूर करेंगे। अगर आपके पास इसमें से कुछ नहीं है तो आपको ज़रूरी नहीं है इसका यूज़ करना, जब हम क्यूटिकल रिमूव करते हैं तो अपने आप से ये क्लीन हो जाता है। तो फ्रेंड्स, अब पूरी जो प्रिपरेशन है पैर की वो हो चुकी हुई है, अब हम लोगों को क्या करना है, इस पर स्क्रबिंग करनी है, क्रीम मसाज करनी है और फिर पैक एप्लीकेशन करनी है। तो कई बार कमेंट्स आते हैं मेरे पास कि दीदी आपने कौन सी क्रीम ली थी, कौन सा स्क्रब लिया था, तो कोई भी आप फूड स्क्रब या फूड क्रीम जो होती है वो ले सकते हैं, किसी भी ब्रांड की ले सकते हैं। हम लोग ये गो ग्लो ब्रांड हर्बल क्रीम है, जो कि हर्बल क्रीम पैक और स्क्रब मैं इसी ब्रांड का ले रही हूँ। ये एक नॉर्मल रेंज में आता है, जब आप पेडिक्योर नॉर्मल स्टार्ट करने जा रहे हो तो इसलिए आप कोई भी अच्छा सा ब्रांड आप ले लीजिए, फूड क्रीम का, फूड स्क्रब और एक पैक कोई भी आप ले सकते हैं। तो इसके लिए कोई मैं स्पेशली ब्रांड नहीं बता सकती आप, अगर आपको चाहिए कि एक नॉर्मल ब्रांड आपके पास हो तो आप VLCC ब्रांड भी ट्राई कर सकते हैं, ब्लॉसम कोचर में भी जो पेडिक्योर है वो अच्छा है, आप उसको भी ट्राई कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैं इन प्रोडक्ट्स को, ये मेरे पास तीनों डिब्बे हैं, इनको मैं एक बाउल में इन तीनों प्रोडक्ट्स को थोड़ा थोड़ा निकाल लूँगी और उसके बाद मसाज करूँगी। और जब भी हम प्रोडक्ट को निकालेंगे, आपको पता है हमें स्पैचुला का यूज़ करना होता है, तो इस तरीके से हम लोग स्पैचुला ले लेंगे और इनको इस तरीके के मैं बाउल्स में निकालने जा रही हूँ। तो सबसे पहले मैं क्रीम निकाल रही हूँ, दो पैरों में दो स्पैचुला बहुत होते हैं, तो पैरों की मसाज करने के लिए इतना प्रोडक्ट बहुत है। मैंने दो स्पैचुला क्रीम निकाल ली है इसमें। इसके बाद स्क्रब को मैं थोड़ा कम निकालूंगी इससे, तो स्क्रब को मैं एक स्पैचुला ले लूंगी इस तरीके से, और एक बाउल में मैं पैक निकालने वाली हूँ, तो इस तरीके से पैक को मैं एक बाउल में निकाल लूंगी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मसाज करने के लिए स्क्रब का यूज़ कर रही हूँ, तो इस तरीके से मैंने स्क्रब ले लिया है और पैर को जो है अपने पैरों के ऊपर मैं यहाँ रखवाऊंगी। अब आप देखिए पैरों पे कितने सारे बाल हैं, अगर आप चाहें तो मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको लेग वैक्स करना बता दूंगी। तो इसके लिए आपको मेरे को कमेंट करना पड़ेगा कि जेंट्स की वैक्स कैसे की जाती है, उसके ऊपर मैं आपको वीडियो बना के ज़रूर भेजूँगी। तो इस तरीके से हाथों को गीला करते हुए हम लोग अच्छे से पैर की मसाज करेंगे। जब भी आपका हाथ आपको लगे ड्राई हो रहा है करते समय, तो आप ज़रूर उसको गीला करेंगे। फाइव टू टेन मिनट मसाज देने के बाद हम लोग इस तरीके से एक स्पॉन्ज लेके अच्छे से पैरों को क्लीन कर देंगे। इस तरीके से एक टॉवल को लेके जितना भी स्क्रब होगा वो पैर के ऊपर से क्लीन कर देंगे, क्योंकि इसके बाद जो नेक्स्ट मसाज है वो क्रीम की है। तो ध्यान रखें, जब भी हम लोग क्रीम मसाज करें
वो भले फेस पर हो, चाहे पैरों पर हो, चाहे हाथों पर हो, उससे पहले जो स्क्रब के पार्टिकल्स हैं वो सब निकल जाने चाहिए ताकि क्रीम में डिस्टर्बेंस ना हो, क्योंकि क्रीम का काम हमें एब्जॉर्बेशन का करना होता है। अगर स्क्रब के पार्टिकल्स होते हैं तो हम उसको अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, तो इस कारण से हम लोगों को जो स्क्रब है बहुत अच्छे से हटाना पड़ता है स्किन के ऊपर से। तो इस तरीके से क्लीन करने के बाद जो मेरा नेक्स्ट स्टेप है क्रीम मसाज, वो मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ। तो इस तरीके से मैं एक स्पैचुला क्रीम का ले रही हूँ। तो फ्रेंड्स, आप चाहें तो क्रीम मसाज में आप लोग जो आपके पास ऑयल बच गया था, ऑलिव ऑयल, या आप मिक्स कर सकते हैं, और चाहें तो पानी ले सकते हैं। मेरे पास ऑयल बचा है तो मैं ऑयल की कुछ ड्रॉप ले लूँगी ताकि अच्छे से पैरों में मॉइस्चर आ जाए। इस तरीके से आप अपने फिंगर के बैक साइड से प्रेशर देते हुए ऊपर लेके आएंगे और नीचे लेके जाएंगे। इससे अच्छे से ब्लड सर्कुलेशन चलेगा और पैरों में कोई दर्द होगा किसी भी तरीके का तो वो कम होना शुरू हो जाएगा। इस तरीके से मैं आपको कुछ प्रेशर पॉइंट भी बता देती हूँ कि आपको सीधे सीधे प्रेशर पॉइंट लेने हैं। इस तरह से वन बाय वन करते हुए आपको लास्ट फिंगर तक लेके जाना है जो सबसे छोटी है, और इसके बाद इन्हीं स्टेप्स को आप रिटर्न लेके आएंगे नीचे एक के बाद एक इस तरह से। फिर उसके साथ बिल्कुल पास में से दोबारा लेंगे इस तरीके से ऊपर लेके गए, फिर इसको बैक साइड में नीचे लेके आए दोबारा से, इसके बाद थर्ड फिंगर तक लेकर गए, एक हम लोग ये जो हमारा एड़ी का सर्कल बन रहा है इसके आसपास भी इस तरीके से हम लोग प्रेशर पॉइंट्स देंगे। ये पूरा बहुत अच्छे से प्रेशर पॉइंट जब जाता है तो पैरों में बहुत अच्छा रिलैक्स होता है, तो इस तरीके से हम लोग ये प्रेशर पॉइंट्स देंगे। इस तरीके से नीचे की साइड देने के बाद इस तरीके से हमारी ये शेप होती है और ये शेप होती है, इस पे भी हम लोग इस तरीके से प्रेशर पॉइंट देंगे। तो जितनी देर का आप इसको ऐड ऑन करना चाहें अपने पेडिक्योर में आप इसको ऐड कर सकते हैं इस तरीके से, और इस तरीके से फिंगर्स में फिंगर्स को डाल के ऐसे ऊपर की साइड पुश करते हुए ले जाएंगे। बैक साइड में इस तरीके से मसाज करेंगे जिससे सारी थकान दूर होती है, इस तरीके से मसाज देंगे। अच्छे से एंकल्स को क्लीन करेंगे। देखिए एंकल्स की डार्कनेस बहुत ज़्यादा है, एक बार में नहीं जाती, इसलिए अगर धीरे धीरे सिटिंग देते रहें तो ये एंकल्स की डार्कनेस भी ख़त्म होने लगती धीरे धीरे। इसके बाद थोड़ा सा मैं हाथों को ड्राई करके इस तरीके से फिंगर्स को स्ट्रेच करूँगी। ये वाइब्रेशन वाला स्टेप होता है, इस तरह से वाइब्रेट करते हुए हम लोग नीचे लेके जाएंगे, फिर ऊपर लेके जाएंगे और बैक में लेके जाएंगे हाथ को, और इस तरीके से वाइब्रेट करते हुए नीचे की साइड स्लिप कर देंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से क्रीम मसाज करने के बाद 15 से 20 मिनट मैं पैरों को इस तरीके से टॉवल से हल्का सा जो मॉइस्चर है वो ऊपर से हटा देंगे। बाकी तो हमारी क्रीम एब्जॉर्ब हो चुकी है, तो हमको इसमें पानी का यूज़ नहीं करना हटाते समय, क्योंकि हमें पैरों पे मॉइस्चर की नीड है, इसलिए हम पानी का यूज़ नहीं करेंगे। बस अच्छे से एक टॉवल से थोड़ा थोड़ा सा ऊपर से क्लीन कर देंगे पैरों को, ताकि जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर है वो हट जाए ऊपर से, क्योंकि हमें इसके बाद पैक की एप्लीकेशन करनी है। तो इस तरीके से हम लोग पैक लेंगे।
अगर आप चाहें तो पूरे पैरों पे पैक की एप्लीकेशन कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर क्लाइंट की इच्छा ना हो पूरे पैर पे लगवाने की, तो आप इतने एरिया पे भी पैरों पे लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप इसको इस तरीके से क्रीम की तरह से लगा देंगे, क्योंकि ब्रश से लगाएंगे या आराम आराम से लगाएंगे तो आपको पता है पैर तो कितने बड़े होते हैं इस पर। तो फ्रेंड्स, जब हम पैरों पे एप्लीकेशन कर रहे हैं पैक की, तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा प्रोडक्ट अपने हैंड पे लेके और हाथों को ऐसे गीला कर लेंगे और इसको इस तरीके से पूरे पैर पे फैला देंगे। तो इस तरीके से जो पैक की एप्लीकेशन है बहुत ईजिली बहुत फास्ट हो जाएगी। ज़रूरी नहीं है आप पैक को ब्रश से लगाएँ, इस तरीके से हाथों से भी लगाएंगे तो बहुत अच्छे से हर जगह लगेगा। तो इस तरीके से हम पैक लगा के 15 मिनट के लिए पैरों को ऐसे ही छोड़ देंगे और पैक जब ड्राई हो जाएगा उसके बाद हम लोग मसाज करते हुए इस पैक को हटा देंगे। तो अब हम लोग 10 मिनट वेट करते हैं इस पैक को ड्राई होने की। 15 मिनट हो चुके हैं पैक लगे, 10 या 15 मिनट आपको छोड़ना है। इसके बाद आपको हाथों को गीला करके अच्छे से पैरों की मसाज करते हुए पैक को हम लोग रिमूव करेंगे। और लास्ट स्टेप जो हमारा है वो है पैरों पे अच्छे से मॉइस्चराइजिंग करना। तो इस तरीके से मॉइस्चराइज़र लेके हम लोग पैर पे अच्छे से एप्लीकेशन कर देंगे। इस तरीके से हमारा आज का ये वीडियो कंप्लीट हुआ। अगर आपको वीडियो ये पसंद आया हो और आप इससे रिलेटेड और वीडियोस भी देखना चाहते हो, तो आप प्लीज़ मेरे को कमेंट कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।